हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हमारे प्रेस है वो जो जल जाती है उसको क्लीन करने का तरीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे फ़िलिप्स के जो है प्रेस है, और ये इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये जो है चिपक चुकी है इस पर कपड़ा, और बहुत ज़्यादा जल चुकी है। तो आज इसी के ऊपर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। और ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। और अगर वीडियो जो है अच्छी लगे तो प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने कोलगेट लिया है, ये आप कोई सा भी जो है पेस्ट ले सकते हैं, कोलगेट का या क्लोज़अप का, या आपके पास जो भी आप यूज़ करते हो वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रेस है मेरी वो ठंडी है बिल्कुल, और यहाँ मैं फिंगर की हेल्प से मैं इसको जो है अच्छे से यहाँ पर लगा रही हूँ जहाँ पर ये ज़्यादा जो है गंदा हुआ हुआ है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स, एक बार में ही ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और अगर आप को ये मैं जो है वीडियो अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ आप अनसब्सक्राइब भी करके जा सकते हो, और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर आप कोई भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने फिंगर से जो है इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर लगा लिया है। और यहाँ पर मैं एक कॉटन का जो है कपड़ा ले रही हूँ, और काफ़ी थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ ताकि ये मेरा हाथ यहाँ पर जले नहीं। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है स्विच जो है ऑन कर दिया है, और इसको मैं गर्म कर ले रही हूँ। ये देखिए गर्म जब हो रहा है तो ये इस तरीके से होता हो रहा है, और देखिए थोड़ा भाप भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मेरी प्रेस जो है गर्म हो रही है। फ्रेंड्स, एक चीज़ का यहाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप मुंह पे नाक पे अपनी कपड़ा ज़रूर लगा लीजिएगा या मास्क लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत बैड स्मेल आएगी और आपको कोई नुकसान ना हो, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ये टिप देना चाहती हूँ। तो आप अपने फेस को या नाक को ज़रूर कवर करिएगा, और उसके बाद ये जो है ट्रिक फॉलो करिएगा फ्रेंड्स, 100% इसका जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये वही जो है प्रेस है, कोई अनदर प्रेस मैंने यहाँ यूज़ नहीं की कि कोई और क्लीन प्रेस मैंने जो है आपको दिखा दी। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसी वीडियो को इसी वजह से जो है आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये गर्म हो चुकी है, हमें फुल स्पीड पे गर्म कर लेना है इसको, और उसके बाद में बंद कर देना है प्रेस को। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैं उसी कॉटन के फैब्रिक से इसको जो है अच्छे से रगड़ रही हूँ, यहाँ पर हमें अच्छे से रगड़ना है उस। फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप अपने हैंड्स का ध्यान रखिएगा, आपका हैंड्स जले नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और यहाँ पर अपने हाथ को नुकसान नहीं पहुँचाइएगा। देखिए, सारी जितना भी जला हुआ था वो सब कपड़े पर आ चुका है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, और आपके सामने ही ये बिल्कुल क्लीन हुआ है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है, और अपने हैंड्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो आप कॉटन का फैब्रिक ले रहे हो वो काफ़ी मोटा लेना है आपको, ताकि आपका हाथ जो है जले नहीं, और बहुत ही केयरफुली आपको इस जो है इस काम को करना है, ऐसा नहीं हो कि आप अपने फिंगर वगैरह जला लो। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है आपको दिखा दिया कि ये कितना जो है हमारा कपड़ा गंदा हो चुका है, और ये कहाँ तक देखो मैंने साफ़ किया है। पहले फर्स्ट टाइम में जो है सारा कोलगेट ही निकल कर आया है, और दूसरे टाइम में जो है इसका जो जितना भी कालापन था, जितना भी जो है जला हुआ था, ये सब निकल कर के आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रेस कितनी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है पहले से। अगर आपको लगे कि अभी भी कहीं थोड़ा बहुत रह रहा है, तो फ्रेंड्स इस प्रेस को जो है पहले ठंडा करिएगा, और उसके बाद जो है फिर दोबारा से हमें इस पे पेस्ट लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप गर्म प्रेस पे ही दोबारा से फिंगर जो है रख करके जला लो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा टाइम दीजिएगा। और उसके बाद में प्रेस जब बिल्कुल ठंडी हो जाए, उसके बाद में आपको दोबारा से जो है कोलगेट लगाना है, या कोई भी आप जो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं आपको वो लगाना है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये पानी के छेद हुए हुए होते हैं, इनको ध्यान रखने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक जो है और बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थोड़ी वीडियो स्किप कर दी थी,
और मैंने दोबारा भी इसको ठंडा करके और इसको जो है निकाला है। और यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स कितना जो है ये हमारा कपड़ा जो है कितना गंदा हो चुका है, और जितना भी कालापन था वो सब मैं आपको देखो कपड़े पर दिखा रही हूँ। ये काफ़ी जो है कपड़ा हमारा गंदा हो चुका है, ये सब जो है हमारे प्रेस का है। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, आप कोई भी ये स्क्रू ले सकते हैं या कोई भी आप चीज़ ऐसे ले सकते हैं और उसको जो है इस तरीके से फैब्रिक में लगा करके, और ये जो है बहुत इजी तरीके से जो हमारा हो जाएगा। और जो हमारे ये प्रेस में जो सुराग है इसमें जो है जो भी हमारा पेस्ट रुक गया है या फंस गया है, तो इसको हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे, इनके सुराखों को जो है खोल लेंगे ताकि हम जब भी प्रेस करें तो बहुत अच्छे से हमारे प्रेस हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो। फ्रेंड्स जब भी हम दोबारा से इसको अब प्रेस करने के लिए कपड़ों पे यूज़ करेंगे इसको, तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा ये एक दो बार जो है थोड़ी सी स्मेल ज़रूर करेगी, क्योंकि जो भी पेस्ट इसके अंदर गया है वो गर्म होने पर जो है बदबू करेगा, तो इस वजह से एक दो बार आपको ज़रूर स्मेल आएगी इसकी। उसके बाद में ये धीरे धीरे करके आनी बंद हो जाएगी। इस बात से घबराइएगा मत कि पता नहीं हमारे प्रेस को क्या हो गया है जो बदबू कर रही है अभी भी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कोई जो है ख़राबी की बात नहीं है। तो आप जब भी दो चार बार प्रेस करोगे तो ये गर्म होने पर थोड़ी सी स्मेल देगी, और फ्रेंड्स आप जो है फ़र्क बिल्कुल देख सकते हैं कितना जो है फ़र्क हो चुका है। और फ्रेंड्स मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर जो आपको वीडियो हेल्पफुल लगे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करके ज़रूर कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक है ये, कोई फेक ट्रिक नहीं है कि आप कोलगेट लगाओ और उसके बाद भी आपका जो है प्रेस जो है क्लीन नहीं हुए। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो फेक बनी हुई हैं और उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, ये ऐसी वीडियो नहीं है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा ये, तो इस बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने अब से कई साल पहले मैंने ये आयरन ली थी और ये हमारी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है।